हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल और बैटरी। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो सेल क्या है? एकल इकाई उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें परिवर्तित कर रहा है? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो हमारा सेल है। जबकि हम लोग बैटरी की बात करते हैं अगर, तो बैटरी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बैटरी में या विद्युत रासायनिक कोशिकाओं का संग्रह है जो या तो श्रृंखला में या समांतर में जोड़ता है। बैटरी में देखा होगा, बैटरी का जो सिंबल होता है इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म, इस तरह से हमारा सर्किट बना जाता है। तो अगर बैटरी की बात करेंगे तो यह एक विद्युत रासायनिक कोशिकाओं का संग्रह है जो या तो श्रृंखला में या समांतर में जुड़ता है। सेल का जो सिंबल है, बस हम लोग का सिंबल, जो सेल का सिंबल यूज़ करते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं, सिंगल इस तरह से आप बनाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज़ द सिंगल सेल, यानी सिंगल आपका ये हो गया डायग्राम सेल के लिए। और जब जब बैटरी के लिए इसको, तो हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। बात करते हैं अगर इसके टाइप्स के, तो जो सेल होते हैं वो आपके ड्राई सेल होते हैं, वेट सेल होते हैं, रिजर्व सेल होते हैं या फ्यूल सेल होते हैं। कौन कौन से? ड्राई, वेट, रिजर्व और फ्यूल सेल। जबकि हम लोग बैटरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो बैटरी में जो होंगे आपके वो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। जबकि यहाँ पे जो हम लोग सेल की जो अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल में आप देख सकते हैं ड्राई सेल, वेट सेल, रिजर्व सेल और फ्यूल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेल की बात करेंगे तो ड्राई सेल, वेट सेल, रिजर्व सेल और फ्यूल सेल। जबकि बैटरी की बात करेंगे तो प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। अगर हम बात करते हैं इसमें आके इसके अनुशक्ति के बारे में, तो जो सेल होता है उसमें थोड़े समय के लिए ही बिजली की आपूर्ति होती है, थोड़े समय के लिए बिजली की आपूर्ति होती है। जब जैसे कि घड़ी हो गया, दीपक हो गया, रेडियो हो गया, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होगी, ये सारे हमारे आते हैं सेल में। कौन कौन से? जिसमें हम यूज़ करते हैं घड़ी के सेल, रेडियो, रिमोट, ये सारे हमारे आते हैं सेल में। क्योंकि बैटरी की बात करते हैं तो ये लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर, एमरजेंसी लाइट ये आते हैं। लागत की बात करें तो जो सेल है ये सस्ता होगा और जो बैटरी है वो महंगी होती है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस में, ये डायग्राम जो मैंने आपको इंडिकेशन किया कि ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेस हैं, एक बैटरी एक सेल। बैटरी प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, ड्राई सेल, सेल बैटरी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी और सेल में ड्राई सेल, वेट सेल, रिजर्व सेल और फ्यूल सेल। जो सेल की परिभाषा की बात करें, अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो सेल का जो मेन काम है, जो हमने यहाँ पे जो उसका वर्किंग यहाँ पे समझा था कि सेल एक एकल बिजली पैदा करने वाली यूनिट है या इकाई है जो कि रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और फिर इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड, और सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट या एक रासायनिक पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रोड के साथ प्रतिक्रिया करता है और विद्युतीय प्रवाह को उत्पन्न करता है। आगे बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के बीच रिडॉक्स प्रतिक्रिया होती है, जो प्रतिक्रिया होती है और इलेक्ट्रोड इस प्रतिक्रिया के कारण विद्युतीय प्रवाह को एक बाहरी सर्किट से बहने लगता है। सेल का मुख्य रूप से चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, वे गीले सेल, ड्राई सेल, रिजर्व सेल या फ्यूल सेल होते हैं। गीले सेल एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं और ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का के रूप में प्रयोग होता है। जबकि अगर हम बैटरी की डेफिनेशन को और आगे बात करते हैं तो बैटरी के उपकरण हैं जिसमें कि दो या होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रोकेमिकल। सेल की अधिक इकाइयाँ होती हैं। बैटरी के धनात्मक टर्मिनल को कैथोड के रूप में जाना जाता है, जबकि बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल को एनोड के रूप में जाना जाता है। बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी
अपरिवर्तनीय नहीं है, यह नहीं हो सकती और पुनः उपयोग किया, जबकि माध्यमिक बैटरी या रिचार्जेबल है और एक प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा प्राथमिक सेल में और रासायनिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप में मौजूद होती है और द्विपदीयक सेल में विद्युतीय ऊर्जा बाहरी स्रोत से प्रेरित होती है। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप में मौजूद होती है जबकि और द्वितीयक सेल में विद्युतीय ऊर्जा बाहरी स्रोत से प्रेरित होती है। अब हम लोग बात करेंगे जो मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में, यानी डिफरेंसेस जो मेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस क्या हैं सेल और बैटरी में। तो सेल हमको ध्यान रखना है कि सेल एक एकल इकाई उपकरण है जो कि विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि बैटरी क्या होगा, सेल का समूह है। ध्यान रखिएगा, बैटरी सेल का समूह है। दूसरा, सेल या तो सूखा, गीला, आरक्षित और ईंधन प्रकार का होता है जो उपयोग किए इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रकार पर निर्भर करता है, और बैटरी या तो गैर प्रभाव या रिचार्जेबल है। सेल में एकल इकाई है और इसलिए यह प्रकाश और कॉम्पैक्ट है, जबकि बैटरी कोशिकाओं का एक संयोजन है जो बैटरी के आकार को बढ़ाता है और इसे तेज बनाता है। सेल कम समय के लिए बिजली की आपूर्ति करता है, जबकि बैटरी जो होती है इसकी लंबी अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति करती है। बैटरी की तुलना में सेल सस्ती होती है। सेल का उपयोग जो है ज़्यादातर घड़ियों, दीपक आदि में किया जाता है और इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि बैटरी का उपयोग ज़्यादातर ऑटोमोबाइल, इन्वर्टर आदि में किया जाता है। और बैटरी की अगर हम और पर्टिकुलर बात करें तो गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, लगलेन सेल इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जबकि सीसा एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, मैग्नीशियम बैटरी आदि इसके प्रकार हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।